बिस्मिल्लाह रहमान रहमान रहीम। रहीम। फिर फिर एफ एफ3 थ्री में में हमारा हमारा एक एक बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर दैट है, इज दैट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो जो है है आपका आपका कंपलसरी कंपलसरी स्टेज का टॉपिक होता है, है, दैट दैट इज इज कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन की की बात बात स्टार्ट स्टार्ट करी थी, कि करी थी कि एक पेरेंट पेरेंट कंपनी कंपनी जब जब बहुत बहुत सारी सारी सेवरल सेवरल डिफरेंट डिफरेंट जो जो है है कंपनीज कंपनीज को को टेक टेक ओवर ओवर करती करती है, है, तो तो फिर फिर पेरेंट पेरेंट और और सब्सिडरी सब्सिडरी दोनों दोनों मिलाकर मिलाकर एक कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंशियल पोजीशन पोजीशन यानी यानी कि कि बैलेंस बैलेंस शीट शीट को को वो बनाते बनाते हैं। हैं। हमने हमने लास्ट लास्ट क्लास के क्लास के अंदर अंदर जरा जरा सा सा याद याद करो, करो, आपको आपको एक एक बताया बताया था था कि कि अगर अगर आपको आपको परसेंटेज परसेंटेज ऑफ ऑफ एक्विजिशन एक्विजिशन मालूम मालूम करना करना हो हो तो तो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी सब्सिडरी को को अगर अगर आप आप डिवाइड डिवाइड कर कर दो दो किससे, किससे, नंबर नंबर ऑफ ऑफ शेयर्स शेयर्स होल्ड होल्ड द कैपिटल कैपिटल ऑफ ऑफ सब्सिडियरी, सब्सिडियरी, तो तो यू यू गॉट गॉट द द परसेंटेज परसेंटेज ऑफ ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन। एक एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर नंबर वन वन के के अंदर अंदर हमारे हमारे पास पास सवाल सवाल में में 100% हंड्रेड परसेंट बॉन्ड का बॉन्ड का ये ये था था कि कि इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी सब्सिडियरी 50 50 था था और और इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट शेयर शेयर कैपिटल कैपिटल ऑफ ऑफ सब्सिडियरी सब्सिडियरी भी भी 50 50 था। था। जो ये ये एरो एरो बना बना हुआ हुआ है है हाँ जीरो जीरो लिखा लिखा हुआ, हुआ, ये ये 50 50 है, है, ये दोनों ये 50 नहीं है, नहीं है, 50 50 है है और और ये ये भी भी 50 50 है, तो है। दोनों तो जब ये दोनों जब 50 ये 50 50 50 है है तो आपके तो आपके पास पास 100% 100% हमने हमने कंपनी कंपनी को को क्या क्या करा करा है, है, एक्वायर्ड एक्वायर्ड करा करा है। है। जब जब इसकी इसकी हम हम कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंशियल पोजीशन पोजीशन बनाएंगे बनाएंगे तो तो आपके आपके पास पास कुछ कुछ यू यू होता होता है है रिसीवेबल रिसीवेबल पेरेंट पेरेंट का का तो तो 30 30 और और सब्सिडी सब्सिडी का का था था 20, 20, दोनों दोनों को को ऐड ऐड कर कर दिया दिया तो तो वो वो बन बन गया गया 50, 50 याद याद आया आया कैंसिल कैंसिल होगा होगा वो वो तो तो अलग अलग बात बात है, है, वेरी वेरी गुड। गुड। वो वो लिखा लिखा हुआ हुआ आएगा आएगा और और कैश कैश है, है, पेरेंट्स पेरेंट्स के के पास पास कैश कैश नहीं नहीं था, था, जीरो, जीरो और और सब्सिडी सब्सिडी का का 30 30 था, था, याद याद है। है। तो तो ये ये 80 80 हो हो गया गया था था और और मैंने मैंने बताया बताया था था इक्विटी इक्विटी एंड एंड लाइबिलिटी लाइबिलिटी के के अंदर अंदर शेयर शेयर कैपिटल कैपिटल जो जो है है वो वो आप आप सिर्फ सिर्फ पेरेंट्स पेरेंट्स ओनली ओनली लोगे। लोगे। आज आज हम हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक एक बहुत बहुत अच्छा अच्छा सवाल सवाल प्रॉपर प्रॉपर वे वे में में जो जो है है करके करके जाएंगे जाएंगे तो तो बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा इंटरेस्ट इंटरेस्ट डेवलप डेवलप होगा। होगा। नोट नोट दिस दिस इज इज ओनली ओनली द द पेरेंट्स पेरेंट्स कंपनी कंपनी शेयर शेयर कैपिटल कैपिटल ओनली, ओनली द द सब्सिडियरी सब्सिडियरी हैज हैज बीन बीन कैंसिल्ड कैंसिल्ड आउट आउट ड्यू ड्यू टू द टू द इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन इन सब्सिडियरी सब्सिडियरी से से कैंसिल कैंसिल आउट आउट हो हो जाता जाता है। है। फिर फिर मेरे मेरे ख्याल ख्याल से से दूसरी दूसरी एक एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल भी भी करी करी थी थी जिसके जिसके अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी सब्सिडियरी 40 40 की की थी थी और और शेयर शेयर कैपिटल कैपिटल आपके आपके पास पास 50 50 का का था, था, तो तो 40 40 को को डिवाइड 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 करा करा जब जब हमने हमने 50 50 से से, तो तो यू यू गॉट गॉट 80%, 80% यानी यानी पेरेंट पेरेंट कंपनी कंपनी ने ने 80% 80% कंपनी कंपनी शेयर शेयर रिक्वायर्ड रिक्वायर करें करें सब्सिडियरी सब्सिडियरी के। के। जब जब इसको इसको कंसोलिडेट कंसोलिडेट करेंगे करेंगे तो तो हमारे हमारे पास पास कुछ कुछ ये ये इस इस तरह तरह से से बन बन गया गया था था कि कि रिसीवल रिसीवल दोनों दोनों के के 40 और 20 40 और 20 जो जो है है हमने हमने जमा जमा करे करे चालीस और 40 और 20, 20 कैश कैश सिर्फ सिर्फ 30 30 था था तो तो वो वो 30 30 दिख दिया दिया तो ये हो ये गया हो गया 90। 90 शेयर शेयर कैपिटल कैपिटल हमने हमने पहले पहले ही ही पढ़ पढ़ चुके चुके हैं। हैं। जब जब शेयर शेयर कैपिटल कैपिटल ओनली ओनली एंड एंड ओनली ओनली एंड एंड ओनली ओनली किसका किसका लेते लेते हैं? हैं? पेरेंट्स पेरेंट्स ओनली ओनली का का लेते लेते हैं हैं तो तो दैट दैट इज इज 80। 80। तो तो सर सर ये ये तो तो बैलेंस बैलेंस शीट शीट डायली डायली नहीं नहीं हो हो रही रही है, है, टाई टाई अप अप नहीं नहीं हो हो रही। रही। तो इसके तो इसके लिए लिए आपने आपने देखा है देखा कि है कि इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट आपने आपने करी करी है, है, 40 40 की की और और शेयर शेयर कैपिटल कैपिटल है है इन इन सब्सिडी सब्सिडी का का 50 50 का। का। तो तो जो जो 10 10 है है वो वो कहलाता कहलाता है है नॉन नॉन कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जिसपे कंपनी कंपनी का का कोई कोई कंट्रोल कंट्रोल ना ना हो। हो। सामने सामने वाले वाले ने ने वो वो वेरी वेरी गुड गुड मेरा मेरा बेटा बेटा गुड। गुड। अब अब मुझे मुझे बताओ, बताओ, ये ये हमने हमने ये ये वाला वाला सवाल सवाल समाप्त करा करा था था जिसके जिसके अंदर अंदर इसके इसके बात बात करा करा था था आगे। आगे। नहीं सही अब अब देखिए देखिए जरा जरा सा, सा, सारे सारे स्टूडेंट स्टूडेंट एक एक और और इसके इसके लिए लिए मैं मैं कुछ कुछ वो वो लिखवाते लिखवाते हैं कि जाएंगे। अभी अभी इसका इसका काम काम ही ही है है लिखवाने लिखवाने का, का, वो वो बताऊंगा बताऊंगा जो जो अभी अभी लिखने लिखने का का है। है। आज आज लिखने लिखने का का ही ही काम काम है है सारा। सारा। और और पहले पहले तो तो इधर इधर देखो देखो एक एक और और एग्जाम्पल एग्जाम्पल को को लेके, लेके, ये ये थोड़ा थोड़ा सा सा इसका इसका फॉन्ट फॉन्ट मैं मैं थोड़ा थोड़ा सा सा छोटा छोटा कर कर दूं, दूं, ये ये जूम जूम आउट, आउट, ये ये उस्मान उस्मान कबीर, कबीर ये ये स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंशियल पोजीशन की ये पोजीशन की पी ये पी कंपनी, कंपनी एक ये और एक और सवाल है, सवाल है, ये ये एक एक और और सवाल सवाल है, है, दिख दिख रहा रहा है? है? अच्छा, अच्छा, फिर फिर मैंने मैंने एक एक और और काम काम करना करना है, है, इस इस पेज पेज को को मैं मैं एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट कर कर लूं लूं ताकि ताकि तुम्हें तुम्हें जरा जरा अच्छा अच्छा समझ समझ में में आए, आए, ये ये मैं मैं इधर इधर आ आ गया गया और और मैंने मैंने इसको, इसको, ये ये सब्सिडरी सब्सिडरी की की क्या क्या दी दी हुई हुई है? है?
ये पी कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, समझ लो तुम्हारा 15 नंबर का सवाल जब निकल जाएगा, ए कंप्यूटर स्क्रीन पे पेरेंट कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई होगी, दूसरे सामने जो है आपको ये एस कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी की दी हुई है बैलेंस शीट, आपको इन दोनों को क्या करना है, कंसोलिडेट करके तीसरी ये जो बनी है इसके ऊपर सब पे क्या आएगा, ब्लैंक आएंगे। सॉल्यूशन हुआ भाई, एक बात करना है। सबसे पहली चीज पॉइंट नंबर वन, उस्मान मेरा सवाल तुमसे मेरे बच्चा, इन्वेस्टमेंट कितने की करी है, 40,000 कितने की, डॉलर वन की, यानी 40,000 शेयर्स की आपने इन्वेस्टमेंट करी है, ये इन्वेस्टमेंट किसमें लिखा हुआ होगा, पेरेंट कंपनी की बैलेंस शीट में लिखा होगा, पेरेंट कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट में लिखा होगा, जाके तुम्हें सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी देखना है। अरे वाह, ये तो 40,000 ही शेयर ले लिए हमने पूरे, वेरी गुड। सबसे पहले तहम्मुल से और बहुत बारी चाहिए देखना है कि हमने कितना कंपनी एक्वायर करी है। एक्सेलेंट मेरा बच्चा, ग्रेट। अब आइए नॉन करंट एसेट, जरा बताओगे पी कंपनी के कितने हैं, क्या हो गया उस्मान, और सब्सिडियरी के कितने हैं, इसका रंग थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये हो जाएगा कितना है, जरा बताना, इसमें इसमें और कलर चेंज कर देता हूँ, मजेदार हो जाएगा, थोड़ा लाइट ले ले, ये देखो 35 + 45 करो, कभी तो 35 का है, भूल जाता हूँ यार, सब्सिडियरी का और दोनों को मिलाया तो उधर ये टाइप करके आना है, परसेंटेज का मतलब नहीं है, दोनों नॉन करंट एसेट को जमा कर दिया, वो तो परसेंटेज उसके लिए बोल रहा हूँ, कितना परसेंट रिक्वायर्ड पड़ेगा वो बताने के लिए बोल रहा हूँ, आओ इधर करंट एसेट में इन्वेंटरीज बताओ, पेरेंट की सब्सिडियरी की इन्वेंटरी बताओ, आला कुछ बात समझ आ रही है, बच्चों वाला सवाल है, आएगा रिसीवेबल इधर आ जाओ सामने, रिसीवेबल में पार्ट करके दिया हुआ है, एस को अपनी सब्सिडियरी से लेने, याद आया जो कैंसिल आउट हो जाता है, याद करो, सिर्फ कौन सा लेना है, अदर, क्या लेना है, और इसके रिसीवेबल बताओ, 6 और 9 15,000 आगे बढ़ो, कैश एट बैंक बताना पेरेंट का, 1,000 + 0 = 1,000 हाँ बेटा बोलो, वो तो कोई बस नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ये पेरेंट की जरा शेयर होल्डर इक्विटी बताओ कितना है, हमने पढ़ा है सिर्फ 70,000 आती है, और शेयर कैपिटल कट जाता, याद आया, देख लो क्या लिखा हुआ है शेयर कैपिटल, क्या लिखा है बेटा, पेरेंट्स ओनली यार, 70,000 क्या हो गया, 70 लिख रहा है या नहीं लिख रहा, पेरेंट्स ओनली, आगे बढ़ो, रिटेन अर्निंग कितनी है पेरेंट्स की, 16, सब्सिडियरी की कितनी है रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग कितनी भी है, 19,000, वेट वेट वेट, कितना हुआ, 16 और 19, एग्री करते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट पर आओ, यानी पेबल लाइबिलिटीज पे आओ, पेबल कितने हैं, पेरेंट के
सब्सिडियरी के पेबल्स पी को नहीं लेंगे। वेरी नाइस। पी को के सिर्फ कौन से लेंगे, कितने हैं? 2000 में से भाग के दो, और इसके कितने? 14 और 2 प्यारे दो प्यारे बच्चों, एग्री करते हो या नहीं? इसमें और कुछ और था, लेकिन सब्सिडियरी के पास एक ओवरड्राफ्ट भी था, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट, और उसका नहीं था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन बन गई। उधर ऊपर भी टोटल 24 आ रहा है, और नीचे भी टोटल, ये एक थोड़ा सा पुराने सवाल बड़ा था फॉर वार्म अप। ये तो बहुत चूरा नहीं, यूं प्लस करते करते जा रहे हैं, आएगा ये तो 5 मिनट में 15 नंबर करवा रहा हूँ आज, ट्रेलर देखने जाऊंगा। समझ में आई बात या नहीं? पहले तो ये बता दो। वेरी गुड, एनसीआईआई नहीं आई, देयर इज नो एनसीआई शेयर, देयर इज No NCIs because 100% company acquired, हाँ बेटा, 100% शेयर्स। अब एक काम करें जरा सारे स्टूडेंट प्लीज, ये रूल्स लिखे थे तुमने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कब लिखे थे ये? पहली बार क्या थे? देखना, एड ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज इफ दे वर कैंसिलेशन ऑफ लायबिलिटीज होगा। NCI वर्किंग 4, नए पेज में जाइए, सारे बच्चे नए पेज में जाइए, और इसको जरा लिखो, बिल्कुल नए पेज में जाओ, गुडविल की हेडिंग डाल के वर्किंग वन बनाओ। ये देखें जो वर्किंग वन जो बनानी है, जरा सा एक्सप्लेन कर दो, उसका नाम है गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन जरा सुनना, सबसे पहले हेडिंग आती है इन्वेस्टमेंट, उसमें आती है पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट, और इसमें ऐड करते हो क्या? तो दोनों को ऐड करते हो तो क्या बनता है? टोटल इन्वेस्टमेंट बन बनती है। लिखो सामने, देखो टोटल इन्वेस्टमेंट लिखा है इसके नीचे, जो के बराबर आती है सब्सिडियरी की शेयर्स के बराबर के बराबर। नहीं 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 भाई, मैंने तो कुछ ऐसे बात ही नहीं बोली, मैं बोला ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट निकाला है। अब एक और बात सुनो, अगर आपके पास 100% कंपनी एक्वायर्ड करी है पेरेंट्स, तो फिर एनसीआई की इन्वेस्टमेंट उस सवाल में नहीं होगी। तो जो पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट है वो ही टोटल इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। अगर पेरेंट कंपनी ने 100% अगर सब्सिडियरी को एक्वायर करा है, तो इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी जो है वो बराबर हो जाएगा पेरेंट इन्वेस्टमेंट की, उसमें एनसीआई की इन्वेस्टमेंट कभी भी, लेकिन आपने 100% से ज्यादा सभी परसेंटेज कम की है, यानी 90% एक्वायर करा है, 60% करा है, 70, 80, तो लाजमे में उस सवाल में तुम्हारे पास
एनसीआई की इन्वेस्टमेंट भी दी हुई होगी, पूरी बात करा करो। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन गया? इसी से सवाल हो जाएगा, लेस करो इससे क्या लिखा हुआ है? फेयर वैल्यू। क्या बढ़ते हैं? एफपी स्टैंड फॉर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड इन सब्सिडियरी। इसका नाम है वर्किंग 1.1। अब सुनो इधर, इसके लिए तुम्हें फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड इन सब्सिडियरी के लिए नीचे वर्किंग 1.1 पे जाना पड़ेगा। किसमें जाना पड़ेगा? ये नीचे बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, शेयर कैपिटल, कैपिटल सबका सब्सिडियरी का है। सब्सिडियरी का है, क्या लिखा है? क्या लिखा है? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड इन सब्सिडियरी। सब्सिडियरी एक्वायर्ड इन सब्सिडियरी गया तो नहीं ना? कहाँ रह पड़ा? नेट बंद कर दिया, देर को जाने कुछ नहीं। बोलो मैं आ रहा हूँ ना, बोलो बोलो। से पूछ तो लो, अपने रूम की लाइट तो उसने बंद कर दी। ऐसे बंद कर दो, बंद कर दो ऐसे। मैं कौन जा रहा है? आप उससे पूछो ना यार। अच्छा जी, अब क्या करोगे जब आप फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड इन सब्सिडियरी जब निकालोगे तो इसमें तुम शेयर कैपिटल किसका लोगे? सब्सिडियरी का। किसका लोगे? शेयर प्रीमियम किसका लोगे? सब्सिडियरी का। रिटेन अर्निंग किसका लोगे? ये तुम्हारे पास बन रहा है सब्सिडी का ना? फेयर वैल्यू। अच्छा, रिटेन अर्निंग ऑन एक्विजिशन डेट, रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑन रिजर्व ऑन एक्विजिशन डेट, सब मिल जाएगा। सबको जब ऐड करोगे तो ये कहेगा नेट बुक वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड ऑन एक्विजिशन डेट ना, उसमें ऐड करोगे क्या? तो फिर ये बनेगा क्या? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, नेट एसेट। अच्छा, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट प्लस भी हो सकती है। और सवाल में देखोगे जब समझ में आएगा, ऐसे नहीं है, सिर्फ अभी समझा रहा हूँ। तो जब इसको ऐड करोगे या लेस करोगे तो क्या आएगा? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड इन। अभी सुनते जाना, बड़े मजेदार है। कल की क्लास में क्या करना? तो उसको ऊपर से जब माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा गुडविल। क्या आंसर आएगा? टोटल इन्वेस्टमेंट में से फेयर वैल्यू ऑफ नेट एक्वायर्ड इन सब्सिडियरी माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों? गुडविल आ जाएगा। सेकेंड रिक्वायरमेंट, सेकेंड वर्किंग का नाम है कंसोलिडेटेड। अब सुनना, इसमें सबसे पहले ले लिया पेरेंट्स रिटेन अर्निंग ताकि जल्दी आ जाएगा। उसमें ऐड करा आपने शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ये हेडिंग है। सर ये कैसे निकालते हैं? रिटेन अर्निंग ऑफ सब्सिडियरी। क्या नाम लिखा? रिटेन अर्निंग ऑफ ऑन रिपोर्टिंग डेट। क्या लिखा? रिटेन अर्निंग ऑफ ऑन रिपोर्टिंग डेट। उसमें से क्या माइनस करोगे? रिटेन अर्निंग ऑफ सब्सिडियरी ऑन एक्विजिशन डेट। समझ में आई बात या नहीं? क्या निकाल लो तुम? शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है जरा बताओ? रिटेन अर्निंग ऑफ सब्सिडियरी ऑन माइनस रिटेन अर्निंग ऑफ सब्सिडियरी ऑन एक्विजिशन डेट। दोनों को माइनस करोगे तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ जाएगा। उसके ऊपर तुम जो है ग्रुप का शेयर लोगे। अगर कंपनी ने पेरेंट ने 80% एक्वायर करा है तो इस अमाउंट का 80% ले लेगा। अगर पेरेंट 70% एक्वायर करे तो इस अमाउंट का जो रिपोर्टिंग में से एक्विजिशन माइनस करेंगे ना तो उसका 70 ले लोगे, 60 ले लोगे, 90 होगा तो 90, 80 होगा तो 80 ले लोगे। और जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बनेगा कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। क्या बनेगा?
इसके बाद वर्किंग थ्री में और वर्किंग टू में से फर्क क्या है जरा सुनना। बड़े मजे का एक सेकंड में आ जाएगा। ऊपर नाम क्या कंसोलिडेटेड, इसका नाम क्या कंसोलिडेटेड, देखो थोड़ा ऊपर लिखा हुआ था पेरेंट्स रिटेन अर्निंग, लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन क्या कहलाएगा चलो कॉपी कर लो जल्दी कर लो जल्दी से रिवर्सन इधर। ये तुम मुझे ये तुम बताओ, मुझे ये बताओ तुमने ये तो ऊपर तुमने ऊपर वर्किंग वर्किंग नंबर नंबर थ्री बना बना ली ली थी पक्का? अब ये वर्किंग वर्किंग नंबर नंबर थ्री थ्री बनाओगे बनाओगे और फिर और कौन सी फिर बनेगी कौन सी वर्किंग बनेगी वर्किंग नंबर नंबर फोर? कल कल इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो ताला खुद हदीस अजीज हमारा इसका तुम्हारा सवाल इसका होगा, सवाल इसको होगा। याद कर इसको लेना याद कर लेना, बहुत अच्छा आ बहुत जाएगा, अच्छा आ तुम जाएगा, लोग सोच भी नहीं सोच भी वाली। नहीं रहा। लेकिन क्या क्या शर्त यह है शर्त कि है साथ कि रहना साथ पड़ेगा रहना सबको पड़ेगा ना, साथ ही साथ ही इसको जो इसको है जो है एनसीआई एनसीआई शेयर्स का शेयर्स का मतलब मतलब है है नॉन नॉन कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। सर सर इसका इसका फॉर्मूला फॉर्मूला क्या क्या है? है? शेयर्स शेयर्स कैपिटल कैपिटल लिया लिया सब्सिडियरी सब्सिडियरी का, का, शेयर्स शेयर्स प्रीमियम प्रीमियम लिया लिया सब्सिडियरी सब्सिडियरी का, का, रिटेन रिटेन अर्निंग कब के अर्निंग लिए? के लिए रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग, डेट। यानी यानी पूरी पूरी कैलकुलेशन में कैलकुलेशन में एक एक चीज चीज बार 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 रिपीटेड हो रही है, रिपीट हो रही है, एक्विजिशन डेट, एक्विजिशन डेट, रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग डेट, एक्विजिशन एक्विजिशन डेट, डेट, उसी पे उसी पे गेम है गेम है सारा, सारा। कॉपी कॉपी पेस्ट पेस्ट है। है, हाथी के हाथी के दांत दांत दिखाने की दिखाने की कुछ और कुछ और खाने की खाने की कुछ। कुछ तो क्या इन क्या बच्चा वो बच्चा वो साथ साथ जब जब ये एक एक ग्लास गिलास ले नहीं लेता लेता तो तो बोलता बोलता यार यार ये ये तो तो बहुत बहुत मुश्किल। मुश्किल। और और इसके इसके बाद बाद जो जो है है वो वो कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंशियल पोजीशन पोजीशन बन बन गई। गई। फिर फिर वो वो बोल रहा बोल रहा है है रिटेन रिटेन अर्निंग अर्निंग ऑन ऑन रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग डेट, डेट, एक्विजिशन एक्विजिशन अमाउंट अमाउंट रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग डेट, डेट, सबको सबको ऐड ऐड करोगे करोगे तो तो ये ये बन बन गया गया नेट नेट बुक बुक वैल्यू वैल्यू ऑफ ऑफ नेट नेट एसेट एसेट ऑन ऑन रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग डेट। डेट। इसमें इसमें ऐड ऐड और और लेस लेस करोगे करोगे फेयर फेयर वैल्यू वैल्यू ऑफ ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, तो तो क्या आ क्या आ जाएगा जाएगा फेयर फेयर वैल्यू वैल्यू ऑफ ऑफ नेट नेट एसेट एसेट ऑन ऑन रिपोर्टिंग डेट, इसका इसका ले ले लो लो आप आप परसेंटेज परसेंटेज कितना। कितना। अगर अगर पेरेंट पेरेंट ने ने 80% 80% रिक्वायर्ड करे कर तो रही तो एनसीआई एनसीआई वेरी वेरी गुड, गुड इसका इसका 20% 20% लेना लेना है। है। पेरेंट ने पेरेंट ने सेवेंटी 70% परसेंट रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड करा करा है है तो तो 30%। परसेंट अच्छा ये जब ले अच्छा लोगे ये जब ले एनसीआई लोगे का इसके एनसीआई अंदर का इसके अंदर एक एक चीज चीज और ऐड और ऐड करना करना मत मत भूलना, भूलना और और वो वो कहलाता कहलाता है है एनसीआई एनसीआई शेयर शेयर इन इन गुडविल, गुडविल, एनसीआई एनसीआई शेयर शेयर इन इन गुडविल, गुडविल, और और जब वो जब वो ऐड ऐड होगी होगी तो फिर फिर जाकर जाकर तुम्हारा तुम्हारा टोटल टोटल एनसीआई एनसीआई शेयर शेयर निकलेगा, निकलेगा, एनसीआई एनसीआई शेयर शेयर इन इन गुडविल। गुडविल।
जमीन दोनों को ऐड करोगे फिर फिर जाके जाके हमारे तुम्हारे पास पास एनसीआई एनसीआई का का शेयर शेयर बनेगा। बनेगा। ये जो परसेंटेज वाली ये ये इस किस अमाउंट अमाउंट का का परसेंटेज परसेंटेज लेना है, लेना ये है, ये एरो एरो डाला डाला हुआ हुआ है। है। ये जो अमाउंट है ये परसेंटेज ये ये इसमें जाएंगे और इन्वेस्टमेंट में जमाएंगे। ये ये नहीं, अलग है, ये अलग है। एनसीआई इन्वेस्टमेंट एनसीआई अलग है, इन्वेस्टमेंट अलग है। एनसीआई एनसीआई शेयर शेयर फेयर फेयर वैल्यू वैल्यू नेट नेट इज इज रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड इन, इन, बस ये बस ये समझ समझ लो लो ये ये वर्किंग वर्किंग वन पॉइंट पॉइंट वन वन वर्किंग वर्किंग वन वन पॉइंट पॉइंट वन का का परसेंटेज परसेंटेज लेना है। लेना। कर कर लोगे लोगे तो तो समझ समझ में में आएगा आएगा कि कि नहीं नहीं आएगा। आएगा। तो एनसीआई एनसीआई शेयर शेयर आ आ गया। गया। लिख लिख लिया लिया हो तो तो मुझे मुझे बता बता दो। दो। डन है, डन इसको इसको याद याद करके करके आना है आना है बेटा। बेटा। हाँ, इन चारों इन फॉर्मूले को चारों याद फॉर्मूले को करके आना याद है। करके आना हंड्रेड है। टेन हंड्रेड परसेंट टेन सवाल परसेंट है सवाल है अली अली एफ थ्री S3 में, में। और जो और जो बजटिंग कर बजटिंग रहा है करा है उसका उसका एक एक सवाल, सवाल, और एक और एक परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मेजरमेंट मेजरमेंट शुरू शुरू होगा होगा वो, वो का थ्योरी का वो होगा, वो बात की बात की बात है। बात है। सेक्शन सेक्शन डी बी हमने हमने कर कर लिया, लिया, ई ई स्टार्ट कर स्टार्ट रहा करा है, है, उसके बाद उसके बाद एफ एफ है, है, डी ई ई और और एफ। एफ। पर जरूरी भी है हमेशा ब्लेस होगी। हाँ 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 प्लस ब्लेस यू यू, कल कल करोगे करोगे आराम आराम से से ऑनलाइन बनवा लेंगे। देंगे। कितने मैंने एफ एक बार का एफ बताया था, एक हफ्ते का बताया था हमारा। देखो कल कल देखो क्लास क्लास, एक इतवार को, बार की इतवार को इतवार को देखेंगे। देखेंगे, इतवार की इतवार की रखी नहीं रखी थी नहीं थी मैंने। मैंने। डन डन चलो। चलो।